जय माता दी। साथियों, अतिथि शिक्षक महापंचायत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का समाधान पार्ट टू। आज हम बात करेंगे प्रत्येक वर्ष के 4 अंक अधिकतम 20 अंक कितने वर्ष पढ़ाने वाले अतिथि शिक्षकों को मिलेंगे। आज हम इस वीडियो में इस टॉपिक पर बात करेंगे। तो जो बोनस अंक का प्रावधान है, यह विशेष तौर पर महत्वपूर्ण प्रार्थना अनुरोध पुराने अतिथि शिक्षकों का था, क्योंकि पुराने अतिथि शिक्षक और नए अतिथि शिक्षक दोनों को 3 वर्ष के कारण 25% आरक्षण मिलता था। अर्थात 3 वर्ष पढ़ाने वाले अतिथि शिक्षक प्लस 200 दिवस कार्य करने वाले अतिथि शिक्षकों को 25% आरक्षण प्राप्त होता था। इस प्रक्रिया के कारण जो पुराने अतिथि शिक्षक जिन्होंने 14-14, 15-15 वर्ष पढ़ाया है, उन अतिथि शिक्षकों को नए अतिथि शिक्षकों के साथ लाकर खड़ा कर देता था। अभी वर्ग 1, 2, 3 में कई नए अतिथि शिक्षक, मैक्सिमम से मैक्सिमम नए अतिथि शिक्षक को जॉब प्राप्त हुई है, पुराने अतिथि शिक्षक जहाँ के तहाँ रहे हैं। तो बोनस अंक की विशेष तौर पर प्रावधान होने से पुराने अतिथि शिक्षकों को बहुत अधिक फायदा होगा, और जो कि न्यायोचित भी है। तो कितने वर्ष पढ़ाने वालों को मिलेगा? तो सबसे पहले जो 3 वर्ष है, यह क्राइटेरिया वह आरक्षण की है, 50% आरक्षण। इस 50% आरक्षण के कम्प्लीट होने के बाद प्रत्येक वर्ष के आपको 4 अंक मिलेंगे। कहने का तात्पर्य, 3 वर्ष के बाद आप जब भी जितने वर्ष पढ़ाओगे उसके प्रत्येक वर्ष के 4 अंक मिलेंगे। जैसे किसी अतिथि शिक्षक ने 6 वर्ष पढ़ाया है तो उसे कितने अंक मिलेंगे? तो तीन सत्र तो आपके हो जाएंगे 50% आरक्षण के लिए। इसके बाद जो 3 सत्र आपके शेष हुए उसके लिए आपको 4 अंक प्राप्त होंगे। और इसी प्रकार यदि किसी अतिथि शिक्षक ने 8 वर्ष पढ़ाया है तभी उसे 20 अंक प्राप्त हो पाएंगे। यदि आपने मात्र 3 वर्ष पढ़ाया तो फिर उस स्थिति में आपको मात्र आरक्षण वर्ष प्राप्त होगा, अंक नहीं मिलेंगे, जो कि न्यायोचित भी है। पुराने अतिथि शिक्षकों को इसकी अत्यंत आवश्यकता थी, क्योंकि उन्हें लंबे वर्ष समय हो चुका है, उन्हें एजेट हो चुकी है, उनका पढ़ाई में नए अतिथि शिक्षकों की अपेक्षा उतना अधिक एकाग्रचित मन नहीं लगता है, क्योंकि उनके सिर पर घर परिवार की समस्याएँ पूरा भार रहता है। तो यह जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुराने अतिथि शिक्षकों को भेंट की है, यह अत्यंत आवश्यक थी पुराने अतिथि शिक्षकों के लिए। जय माता दी, राधे राधे, जय श्री राम।